हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है उस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कम्प्लीट करते हैं। तो पिछली वीडियोस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है इसमें, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसमें ये नहीं कि आपको टेंस दे दिया जाएगा यानी हिंदी दे दी जाएगी और उसकी इंग्लिश करनी होगी। इसमें आप लोगों को चेंज करना रहता है। जैसे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है आपका मान लीजिए, और उसको आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, या मान लीजिए आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करना है, तो इस तरह से हो जाता है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव में चेंज करना, या नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में चेंज करना, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझिएगा। हालांकि देखिए, मैं अपना 100% आप लोगों को देती हूँ, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी 100% दीजिए। 100% कैसे आप देंगे, चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और प्लस आप लोग नोट्स भी बनाएंगे और बार बार रिवीजन भी करेंगे, तभी चीज़ें समझ में आ पाती हैं। तो चलते हैं, आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी पहचान को देखते हैं। यह टेंस यह प्रकट करता है कि काम भूतकाल में प्रारंभ होकर अब वर्तमान काल में जारी है। इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि काम जो है वो भूतकाल में, यानी जो वर्क आप कर रहे हैं वो भूतकाल में स्टार्ट है, आपने स्टार्ट किया लेकिन अभी भी वो वर्क आप कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है, यानी कि आपको समय दिया होता है, यानी कि आपका जैसे कि आप 2 घंटे से वो काम कर रहे हैं, 2 दिन से वो काम कर रहे हैं, आप जनवरी से वो काम कर रहे हैं या फरवरी से काम कर रहे हैं, कोई भी मंथ, कोई भी डे, कोई भी वीक, मतलब जो भी आपका दिए हो, है ना, दशक दिए हो, कुछ भी दिए हो, यानी कि समय दिए होंगे, या 1980 से ये काम हो रहा है, या 1982 से ये काम हो रहा है, 2020 से ये वर्क हो रहा है यानी काम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें इसमें दिए होते हैं, यही इसकी पहचान होती है। उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। इस काल के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा था और उसमें हमने इज एम आर का प्रयोग किया था, यही तो बात है ना, इज एम और आर का प्रयोग किया था। जैसे इसका का प्रयोग किया था तो जब कोई एक वचन करता हो, यानी सब्जेक्ट एक वचन हो, जैसे किसी का नाम राम, श्याम, गीता, सीता, कुछ भी, या ही, शी, इट, इनके साथ इसका यूज, फिर आई के साथ एम का यूज, और आर किसके लिए, तो जैसे बहुवचन या यू वी दे हो जाता है, जैसे यू वी दे, इन पे सब पे डिस्कस किया था, तो ऐसे होता है। लेकिन अब यहाँ पे भी यही कंडीशन है, यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो जी नहीं, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसमें आप क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, तो आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे या हैव बीन का प्रयोग करेंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूज करेंगे। लेकिन क्यों ऐसा करेंगे, अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं तो इज एम आर का यूज किया, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं तो हम हैज और हैव का प्रयोग क्यों करें और उसके साथ में बीन का प्रयोग क्यों करें, तो ये भी चीज को समझ लेते हैं। इसमें ये होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये होता है कि इसमें समय दिया होता है, जैसे वो 2020 से ये काम कर रहा है, है ना, कोई वर्क कर रहा है तो वो 2020 से काम कर रहा है, या राम 1980 से इस मकान में रह रहा है, तो क्या कर रहा है, रह रहा है, तो हाँ ठीक है,
आपने कहा यहाँ पे, लेकिन कब से? 1980 से। अब इसमें टाइम दिए हुए हैं 1980, यानी कि समय दिया हुआ है, सन दिया हुआ है, एक्यूरेट समय। वो बात हम अभी बाद में करेंगे कि निश्चित समय या अनिश्चित समय, ये चीज नहीं, पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 1980 से, यानी कि इसमें क्या कर दिया है, इसमें समय दे दिया है। ऐसे कोई काम आप पिछले मंगलवार से कर रहे हैं, है ना, तो आप मंगलवार से वो काम कर रहे हैं, तो कब से कर रहे हैं, तो मंगलवार से आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिन दे दिया। अब यहाँ पे पता हो गया कि आप कोई ऐसा दिन है, यानी हफ्ते का एक मंगलवार दिन होता है, उससे आप वर्क आपने स्टार्ट किया और अभी भी आप वो वर्क कर रहे हैं। या मोहन 1999 से ये जॉब कर रहा है, तो वो भूतकाल से कर रहा है लेकिन अभी भी वो जॉब कर रहा है, तो ये आपका किस में हो जाता है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाता है। तो यही इसकी पहचान होती है कि इसमें समय दिया होता है और रहा है, रही है, रहे भी दिया होता है, तो इसमें यही चेंज होता है, इसीलिए इसमें हैज या हैव और उसके साथ बीन का यूज किया जाता है। अब पॉजिटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि समय के लिए हम कैसे इसका यूज करें। तो पॉजिटिव सेंटेंस एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, यानी कि देखिए एक वचन कर्ता कहीं पे है, वही चीज कि अगर राम, श्याम, सीता, गीता कुछ है, देखिए है ना, राम हो गया किसी का, यानी नाम, जरूरी नहीं कि राम ही है, मतलब ये एक चीज कि मैडम ने राम बताया था, यानी राम के साथ लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा, ऐसा नहीं, मतलब किसी का भी नाम हो तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, तो हैज बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो हैज बीन का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे दो नाम हो जाए, जैसे राम श्याम, सीता गीता, है ना, तो क्या यूज करेंगे, हैव बीन, क्योंकि वो क्या एक वचन नहीं रहा, अब वो बहुवचन हो गया, या आपका यू हो जाता है, यू हो गया, वी हो जाता है, दे हो जाता है, तो इनके साथ किसका यूज करेंगे, तो इनके साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो हैव बीन का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि से के लिए हम क्या यूज करें, और से आता कहाँ पे है, और समय के लिए हम क्या यूज करें। तो जैसे यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जैसे से कहाँ पे आया, तो मीरा 2 घंटे से गेंद खेल रही है, तो यहाँ पे देखिए से आया ना, और कितने घंटे से, 2 घंटे से। अब यहाँ पे हम से के लिए क्या यूज करेंगे, 2 घंटे के लिए तो आपको पता है कि आप क्या यूज करोगे, है ना, तो 2 आवर्स हो गया, लेकिन से बीच में आया तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हम बताते हैं आपको इसके लिए आपको क्या यूज करना है। इसके लिए आपको सिंस या फॉर का यूज करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दो चीजें क्या हम यूज करेंगे, तो जी नहीं, आपको एक टाइम पे एक चीज यूज करनी है, लेकिन कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपका सिंस हो गया, तो जहां पे निश्चित समय हो, क्या हो, निश्चित समय। निश्चित समय मतलब होता है कि कंफर्म है, पता है कि इस टाइम पे ऐसी चीज स्टार्ट हुई, ये हो जाता है निश्चित समय। जैसे आपने कोई वर्क 1980 से स्टार्ट किया, तो पता है कि 1980 से वो वर्क स्टार्ट किया, तो जब आपने 1980 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। मान लीजिए आपने कोई वर्क संडे से स्टार्ट किया, मंडे से स्टार्ट किया, ट्यूसडे से स्टार्ट किया, वेडनेसडे से स्टार्ट किया, कहने का मतलब ये है हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7ों दिनों में कोई भी दिन में आपने वर्क स्टार्ट किया और आपने उसका नाम बताया, ये निश्चित हो जाता है, यानी कि संडे तो आता ही आता है, मंडे तो आता ही आता है, ट्यूसडे तो आता ही आता है, मतलब ये निश्चित है। उसके बाद आ जाए आप मंथ पे आ जाए, अभी आप कहाँ पे थे, तो वीक पे थे, अब कहाँ पे, अब मंथ पे आप आ जाए, जनवरी से आप वर्क कर रहे हैं, फरवरी से आप वर्क कर रहे हैं, दिसंबर से आप वर्क कर रहे हैं, मार्च से आप वर्क कर रहे हैं, मतलब कहने का ये है 12 महीने होते हो, उनमें से आप किसी दिन पे भी आपने कोई काम स्टार्ट किया है ना, या आप जनवरी में कहीं गए थे, है ना, आप घूमने जा रहे हैं, या मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन मंथ आपने बता दिया है कि मैं जनवरी में मैंने ऐसा काम शुरू किया है,
मैंने जनवरी से ऐसा काम शुरू किया है, तो यानी आपका ये निश्चित समय हो गया। अब इसी तरह से आप समझ लें, आप जैसे कि आपने कोई काम शुरू किया 2 बजे से, कब से, तो 2 बजे से आपने कोई काम स्टार्ट किया, तो 2 बजे तो बजते हैं, रोज ही बजते हैं, मतलब ये निश्चित है ना, क्योंकि उनको बजना ही बजना है। 3 बजे से आपने कोई वर्क स्टार्ट किया, 12 बजे से आपने कोई वर्क स्टार्ट किया, मतलब ये निश्चित हो जाता है, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। उसके बाद देखिए, आप समझ ले जैसे कि मॉर्निंग से आपने कोई काम स्टार्ट किया, कब से, तो मॉर्निंग से आपने कोई काम स्टार्ट किया, मॉर्निंग तो होती है, सुबह तो रोज होती है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, तो सिंस यूज होगा। अब यहाँ पे आ जाए नून से आपने कोई काम स्टार्ट किया, यानी दोपहर, तो दोपहर भी निश्चित है ना, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। उसके बाद आप आ जाए नाइट से, इवनिंग से, ऐसे कोई भी अगर आपके सेंटेंस में ऐसा कोई भी वर्ड दिए हैं तो वो निश्चित है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो चीज के बारे में निश्चितता है उसमें सिंस का यूज होगा निश्चितता के लिए। अब बात करते हैं फॉर की, तो फॉर का यूज कहाँ पे होता है, तो जहां पे चीजें निश्चित नहीं है। फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे, तो जहां पे चीजें अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित हो गई, अनिश्चित हो गई। अब कहां पे चीजें अनिश्चित है, जैसे कि तुम 2 घंटे से वर्क कर रहे हो। अब कौन से 2 घंटे से भाई वर्क कर रहे हो, सुबह के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, रात के 2 घंटे से, नहीं पता है। आप 2 साल से वर्क कर रहे हो, कितने साल से, 2 साल से वर्क कर रहे हो, लेकिन कौन से 2 साल है ना, कौन से 2 साल, ये नहीं कंफर्म है। आप बहुत सालों से ऐसा काम कर रहे हैं, कौन, बहुत साल तो हो गए लेकिन कितने हैं ये नहीं पता है। अब जैसे कहीं पे आ जाता है कुछ समय से, तो कुछ समय मतलब कितना, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 1 सेकेंड, कितना, तो यहाँ पे अनिश्चित का यूज हो जाएगा। अब आप देखिए कहीं पे होता है कुछ महीनों से आप वर्क कर रहे हैं, कौन से महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, भाई इतने महीने होते हैं, लेकिन आपने हमको ये कंफर्म नहीं बताया कि कौन से महीने से, कुछ महीनों से वर्क हो रहा है, तो मतलब अनिश्चित है, हमको ये नहीं पता है कि किस महीने से, उसका नाम आपने नहीं बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अनिश्चितता है। और जहां पे अनिश्चितता होती है यानी अनिश्चित, वहां पे फॉर का यूज होता है, यानी कि से के लिए सिंस और फॉर का कहाँ पे यूज होता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। अब चलते हैं, देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब बनावट होती है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में किसका यूज करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ही, शी, इट, कुछ भी जो भी है वो यूज करेंगे। उसके बाद जब एक वचन करता हो, यानी कि देखिए जैसे मीरा एक है, मीरा लड़की क्या है, तो एक है, तो यहाँ पे हैज का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो हैज का यूज करेंगे, और उसके साथ में बीन का यूज कर देंगे, यानी मतलब बीन का यूज तो करना ही करना है, हैव के साथ भी बीन का यूज करना है, हैज के साथ भी यूज करना है, लेकिन हमको सब्जेक्ट के बाद, पहले सब्जेक्ट देख लेना, समझ लेना, उसके बाद, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या होगा, सिंस या फॉर, है ना, सिंस, सिंस या फॉर हो जाता है, और उसके बाद टाइम, जो टाइम दिए हो, जैसे 2 आवर्स, 2 क्लॉक, कुछ भी दिए हो, वो चीज यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर टाइम हो जाता है। अब देखते हैं, देखिए जैसे मीरा 2 घंटे से गेंद खेल रही है, अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते तो कितना होता, मीरा गेंद खेल रही है, तो आप सिंपल बना देते मीरा, और यहां पे क्या लगाते, क्योंकि ये एक मीरा है, तो इज, मीरा इज प्लेइंग, और क्या खेल रही है, प्लेइंग द बॉल, है ना, प्लेइंग द बॉल हो जाता। लेकिन यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है,
तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ लेते हैं ये कैसे यहाँ पे ये हैज बीन और ये सब आया है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दूसरी बात, यहाँ पे समय दिए हुए हैं, अभी ये चीज़ नहीं कि निश्चित या अनिश्चित, लेकिन समय दिए हुए हैं। तो आपने पहचान लिया कि जो जिसमें समय दिए हैं और हैज़ बीन हैव बीन दिए हैं, तो उसमें यानी यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन की नहीं बात करेंगे, पहले हम समय की बात करेंगे। यहाँ पे समय दिए हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो मीरा हैज़ बीन प्लेइंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, किसके साथ खेल रहा है, तो बॉल के साथ खेल रहा है, यानी गेंद के साथ खेल रहा है ना, गेंद से खेल रहा है से। तो कहीं कहीं पे देखिए इस पे भी एक वीडियो आपका आएगा, कहाँ पे से का यूज करते हैं, कहाँ पे विद, मतलब विद विद का यूज करते हैं ना, तो से के लिए ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन आप लोग ये टेंस बनाना सीख ले अच्छे से। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि प्लेइंग विद, मतलब किसी के साथ खेलना, ये गेंद के साथ खेल रहे हैं तो विद, अब द बॉल, कब से खेल रहे हैं, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से ये नहीं पता है भाई, कि भाई 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, कुछ ऐसा दिए होते तो यहाँ पे सिंस लगाते, लेकिन यहाँ पे निश्चित नहीं है वो 2 घंटे से खेल रहे, ये नहीं मालूम सुबह से खेल रहे, शाम से खेल रहे, नहीं पता है। तो यहाँ पे फोर का यूज करेंगे। अब क्या 2 घंटे से, तो 2 आवर्स हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद देखिए गेंद खेल रहा है, किसी के साथ में खेल रहा है, मतलब बॉल के साथ खेल रहा है, तो विद, और से के लिए यहां पे क्या यूज करेंगे, तो सिंस या फॉर का यूज करेंगे, तो आपका हो जाता है। उसके बाद है, वह 1980 से इस मकान में रह रही है। अब यहां पे रह रही है तो यानी कि लड़की है, लेडी है, है ना, और रह रहा होता तो लड़का होता या जेंट्स कोई भी, है ना। तो वह, तो यहाँ पे वह की इंग्लिश आप इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ पे रही है तो मतलब शी हो जाता है, लड़की एक है तो has been, अगर कई होती तब have been, तो has been। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिविंग, इन दिस हाउस, किस में रह रही है, तो इस मकान में रह रही है, तो मकान के अंदर रह रही है ना, तो इन दिस हाउस। अब कब से रह रही है, तो से के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे, तो जब हम इस वाले से की इंग्लिश हम इस वाले से कंफर्म करेंगे, तो ये 1980 है, यानी कंफर्म डेट है कि 1980 से ये रह रहे हैं, यानी कि निश्चित समय है, क्या है, तो निश्चित समय है, और जब निश्चित समय है तो यहाँ पे सिंस का यूज कर लिया, और उसके बाद ये 1980 यानी 1980 हो गया। तो इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या पॉजिटिव सेंटेंस है ना, अब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस को समझ जाएंगे तो नेगेटिव में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है जहाँ पे नॉट का यूज होता है, नॉट का यूज होता है। तो बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको तुरंत से नोट लगा देना है ना। और यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हैज या हैव, और उसके बाद बीन का यूज करते हैं। तो जब नेगेटिव हम बनाते हैं तो हैज या हैव और बीन के बीच में नोट लगाते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं बीन से पहले नोट लगाते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं हैज या हैव के बाद नोट लगाते हैं और उसके बाद बीन लगाते हैं। आपको जैसे आसान पड़े आप उस तरीके से चीजों को समझिए, है ना। बात एक ही है कि आपने बीन से पहले नोट लगाया तब भी नोट अपनी जगह पे है, हैव के बाद नोट लगाया तब भी नोट अपनी जगह पे है, यानी हैज या हैव, या हैज या हैव और बीन के बीच में आपने नोट लगाया तब भी नोट अपनी ही जगह पे है। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे, देखिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे, और उसके बाद किसका यूज करेंगे, जो टाइम दिया हो, है ना, उसका यूज करेंगे। तो हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो वी हैव न�ट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, यानी कि देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट तो वी,
हम के लिए वी का यूज किया। अब वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ हैव का यूज करेंगे और हैव के साथ बीन का, लेकिन ये नेगेटिव है तो दोनों के बीच में हम नोट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, प्ले के साथ आई एन जी प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं तो फुटबॉल। फॉर क्योंकि दो घंटे से, कौन से दो घंटे नहीं पता है, इसलिए फोर टू टी डब्ल्यू ओ, यहाँ पे देखिए टू आवर्स, ये यहाँ पे आपका हो जाता है। अब वो 1980 से मकान में नहीं रह रहा है, पहले आप सिंपल बना ले उसके बाद में नॉट वाला बना ले। जैसे जब आप रफ करते हैं यानी कि चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसे क्या कीजिए, और उसके बाद जब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तब आप डायरेक्ट बना दीजिए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप पहले सिंपल बनाएंगे तो यहाँ पे नॉट नहीं लगा है। तो शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है यानी कि नॉट लगा हुआ है, तो हैज बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे, ऐसे भी हो गया। अब चीजों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और ये चीजें तो आप समझ ही गए हैं कि अगर निश्चित समय हो तो सिंस, और अनिश्चित समय हो तो फॉर का यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निश्चित समय क्योंकि टाइम दिए हुए हैं, इसलिए एक एक्यूरेट टाइम मतलब 1980, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। अब नेगेटिव हम लोगों ने समझ लिया, अब इंट्रोगेटिव, और ये नाम भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेगेटिव में क्या होता है, मतलब नॉट का यूज होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह से। और अफर्मेटिव क्या होता है, यानी सिंपल जो होते हैं, तो उसमें नॉट का भी यूज नहीं होता है, प्लस उसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता है, क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, तो इस तरह से चीजें आप लोग समझिए। और फ्रेंड्स देखिए, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि यही तो हमारी एनर्जी होती है ना, हम अपना आप लोगों को 100% देते हैं, तो आप भी प्लीज़ 100% दिया कीजिए ना। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। क्योंकि देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही रहता है, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस होता है और एक होता है जिसमें सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में बदलना होता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं। तो जिसमें जैसे आप आपसे हमने कोई क्वेश्चन किया, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, यस कि मतलब हाँ पढ़ रहे हैं, या ऐसे सिर हिला दिया हाँ यस, और नहीं पढ़ रहे तो नो, तो मतलब आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने आपसे पूछा आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, मैथ की बुक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका नाम लेना होगा, है ना। तो मतलब डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करेंगे, तो यही अंतर इसमें होता है। तो इन चीजों को समझ लेते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली का यूज नहीं होता है वो कैसे होते हैं सेंटेंस, कि मतलब देखिए डब्ल्यू एच फैमिली का यूज नहीं होता है वो कैसे होते हैं। तो क्या राजन इस मकान में 1980 से रह रहा है, अब यहाँ पे क्या राजन इस मकान में 1980 से रह रहा है, तो क्या पहले आया, आप आंसर दे सकते हैं हाँ या नहीं, यस या नो, तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, यानी इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का यूज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट रख देंगे। अब इसमें वैसे अगर सिंपल बनाते तो राजन इसमें सब्जेक्ट है ना, और हैज या हैव तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो राजन को जो राजन की जगह है वहां पे हैज रखेंगे, और जहां पे हैज की जगह है वहां पे राजन को रख देंगे। उसके बाद ज्यों का त्यों यानी कि जैसे का तैसा वैसे ही बनाते चलेंगे। अब उसके बाद देखिए जब आप सिंपल बनाते तो राजन हैज बीन, तो हैज राजन बीन, तब बीन लगेगा, है ना। फिर उसके बाद लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980, अब सिंस आपको पता है कि निश्चित समय के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे, उसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना रहता है। उसके बाद क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो, तो यहाँ पे भी देखिए आप हाँ या नहीं में आंसर दे सकते हैं, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली का यूज नहीं करेंगे।
तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम से पहले क्योंकि तुम के साथ क्या यूज करेंगे, तो हैव का यूज करेंगे भाई। यू वी दे के साथ किसका यूज करेंगे, तो हैव का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट से पहले हैव का यूज कर लेंगे, उसके बाद यू, उसके बाद बीन, और उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। किस कॉलेज में, तो इस कॉलेज में, तो इन दिस कॉलेज, और कितने महीने से, तो 6 महीने से। अब ये नहीं पता है कौन से 6 महीने हैं भाई, 1980 के 6 महीने, 1982 के 6 महीने, 2001 के 6 महीने, 2020 के 6 महीने, ये नहीं पता है। बस ये पता है कि 6 महीने से रह रहे हो, है ना। इसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया मैंने, इसलिए इतना लंबा टाइम, मतलब कोई भी चीज हो, कहीं पर भी हो भाई, आ भी सकता है ना। तो वहां पे निश्चित समय यहाँ पे नहीं है, कौन से 6 महीने से रह रहे हो भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से रह रहे हो, मार्च अप्रैल मई जून से रह रहे हो, कौन से 6 महीने से रह रहे हो, तो नहीं पता है। यहाँ पे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे अनिश्चित समय हो जाता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। अब देख लेते हैं डब्ल्यू एच फैमिली का यूज कहाँ पे करेंगे। तो डब्ल्यू एच फैमिली, देखिए डब्ल्यू एच फैमिली किसको कहते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, इन सबको डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे तुम 30 मिनट से क्या कर रहे हो, तो क्या आपका बीच में आया, अब क्या कर रहे हो ये भी आपको बताना रहेगा, है ना। जो भी आप वर्क कर रहे हो, या खेल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वो आपको बताना रहेगा। तो अब आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज आपको करना रहेगा। तो तुम 30 मिनट से क्या कर रहे हो, तो व्हाट, सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे जो यहाँ पे होगा, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, है ना ये। उसके बाद यूज यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं, यू के साथ हैव का यूज करते हैं ना, यू वी दे के साथ, तो डब्ल्यू एच फैमिली के तुरंत बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर सिंस या फॉर, और कितने मिनट से, तो 30 मिनट से। और यहाँ पे देखिए 30 मिनट, तुम 30 मिनट से क्या कर रहे हो, इन्होंने टाइम दे दिया है 30 मिनट, तो इसलिए यहाँ पे आपका सिंस हो जाता है। उसके बाद तुम उससे क्या उम्मीद कर रहे हो, तो क्या उम्मीद कर रहे हो, आपको बताना पड़ेगा कि क्या उम्मीद है। तो आप डब्ल्यू एच फैमिली में इसको बनाए, यानी डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करेंगे। तो व्हाट, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और फिर एक्सपेक्टिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और क्या कर रहे हो, तुम उससे क्या उम्मीद कर रहे हो, तो उससे क्या उम्मीद कर रहे हो, तो फ्रॉम हिम, यानी उससे क्या उम्मीद कर रहे हो, और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे टाइम नहीं दिए हैं तो आपको नहीं लिखना है। वह कब से बगीचे में काम कर रही है, तो हाउ लॉन्ग हैज, अब देखिए कब से, कब के लिए हाउ, उसके बाद लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन दिस गार्डन, और क्वेश्चन मार्क इस तरह से हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, और जो आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर भी ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।